नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। निफ्टी बैंक मंथली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग से बाजार में जोर। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। आरआईएल एचडीएफसी बैंक ने भरा दम। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से अफ्सपा हटाने पर विचार। अमित शाह का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप सकते हैं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। इधर सुनीता केजरीवाल बोली कल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल पर बयानबाजी के लिए भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को किया तलब। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में गांठ। उद्धव गुट की लिस्ट सामने आते ही संजय निरुपम समेत कई कांग्रेसी नाराज। इधर बिहार में सीट शेयरिंग पर आरजेडी और कांग्रेस में माथापच्ची जारी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। नागपुर से नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, यूपी के पीलीभीत से जितिन प्रसाद समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की शुरुआत। मार्च में ही पारा कई जगहों पर 41 डिग्री के पार। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो थोड़ी चौंकाने वाली है। कश्मीर से एप्सपा हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर से इस कानून को हटाने पर विचार कर रही है। अमित शाह ने इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस को दी जा सकती है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है क्योंकि फोर फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस जाती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा फुटप्रिंट्स को कम करने? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है। आज इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पर है। पहले CRPF और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहाँ पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर विचार करेंगे इस पर। जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार कर रहे हैं, नजदीक के भविष्य में विचार कर रहे हैं। वहीं POK पर अमित शाह ने कहा है कि POK की जमीन भारत की है और ये देश की संसद भी मानती है। उन्होंने कहा कि POK के मुसलमान भी भारत के साथ हैं। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये कह रहा हूँ कि अब भारत की संसद की आवाज़ सुनिए, पाकिस्तान की आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं है जी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का भविष्य भारत के साथ जुड़ा है और हमारे बच्चों ने भारत की संसद की आवाज़ सुननी चाहिए, उनको जवाब देने वाले देंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान को गैर जरूरी और भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय न्याय प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, जो निष्पक्ष और समयबद्ध नतीजों के प्रति समर्पित है। इस पर सवाल उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए हैं। वहीं ईडी का पक्ष रखा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने। दिल्ली में आप गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि केजरीवाल खुद कल कोर्ट में शराब घोटाले के पैसों का खुलासा करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड पार ली। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरों की। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में घमासान थम नहीं रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर संग्राम छिड़ गया है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। VBA ने महाराष्ट्र की 9 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने खुद अकोला से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही 22 में से 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अपनी दावेदारी ठोक दी है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत को मुंबई साउथ से और अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से और संजय पाटिल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट का टिकट मिला है। वहीं अनिल देसाई मुंबई साउथ सेंट्रल से तो सांगली से चंद्रहार पाटिल को जबकि यवतमाल से संजय देशमुख को टिकट दिया गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि सीट को लेकर गठबंधन में बातचीत पूरी हो गई है। महा विकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज हो गई है। सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे शिवसेना उद्धव गुट का एक तरफा फैसला बताया है, जबकि शरद पवार गुट शिवसेना उद्धव गुट के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केली आहे। त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधला सुद्धा धारावी जिथे येते तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत। यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळं त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे, एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे। आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असे मी म्हणेल। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो अपनी पार्टी को भी धमकी दे दी है। साथ ही मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर पर निजी हमला भी किया है।
जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, इस शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे, चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे कहां, 5 साल घर पे बैठेंगे। चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। लेकिन इससे पहले यूपी में उम्मीदवारों के नामांकन पर उठा पटक मची हुई है। समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। मुरादाबाद सीट पर पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट मिला और उन्हें नामांकन भी भरने दिया गया। फिर उनकी जगह रुचि वीरा को उतारने की बात हुई। अखिलेश यादव ने रुचि से फोन पर बात करके उनसे नामांकन नहीं करने को कहा, लेकिन इसके बावजूद रुचि वीरा ने मुरादाबाद से नामांकन भर दिया है। उधर रामपुर की बात करें तो अखिलेश ने मौलाना नदवी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आजम खान के करीबी आसिम रजा भी रामपुर से नामांकन भरने पहुंचे। आसिम रजा आजम खान के करीबी हैं। यूपी में क्या कुछ चल रहा है इस पर लेटेस्ट अपडेट के साथ अब जुड़ रहे हैं संवाददाता अमित सिंह। तो अमित, बताएं कि समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर क्या कुछ चल रहा है? भले ही आजम खान जो है इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी में आज भी जो फैसला लेते हैं उसी को अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हो वो मानते हैं। दरअसल जिस तरीके से नाटकीय तरीके से आज पूरे दिन मुरादाबाद लोकसभा सीट पर एसटी हसन ने 2 दिन पहले जो है अपना नॉमिनेशन भर दिया था, नामांकन भर दिया था, उसके बाद आज रुचि वीरा ने नॉमिनेशन भरा और जो आजम खान की जो पसंदीदा जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, उन्हें ही आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट माना है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अभी भी आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में है। इसके अलावा अगर रामपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अखिलेश यादव ने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद मौलाना नदवी को वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जिस तरीके से रामपुर के जिला यूनिट, जो समाजवादी पार्टी की जिला यूनिट है, वो जिस तरीके से इसके खिलाफत गई है अब और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फटकार लगाई है रामपुर जिला अध्यक्ष की, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दी गई है, उसके बाद जाहिर तौर पर सीतापुर जेल से आजम खान एक मैसेज भेजेंगे रामपुर जिला यूनिट को, और जिसके बाद पूरा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है रामपुर का वो मौलाना नदवी के समर्थन करेंगे। इसके मेरठ सीट की भी अगर हम बात करें तो मेरठ सीट में भी आज देर शाम तक या देर रात तक वहां पर भी कैंडिडेट का बदलाव हो सकता है, क्योंकि भानु प्रताप सिंह जो कि बाहरी का नारा वहां पर भानु प्रताप सिंह के लिए चल रहा है, वहां पर भी लोकल कैंडिडेट दिया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से नाटकीय अंदाज से लगातार जो गतिविधियां होती रही समाजवादी पार्टी दफ्तर में, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं, बड़े नेताओं से मुलाकात करते रहे मेरठ के, मुरादाबाद के, और बीच में यहां तक खबरें आ गई कि आजम खान के दबाव में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन आखिरकार जब नामांकन रुचि वीरा ने कर दिया तो आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का जो टिकट है वो रुचि वीरा के नाम पर हो गया। इस बात से अंदाजा हो गया कि भले ही आजम खान जो है सीतापुर जेल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ बंद है, लेकिन उनका कद आज भी समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा है। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर क्यों मचा है घमासान और यूपी में समाजवादी पार्टी में क्यों उठ रहे हैं बगावत के सुर, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, सीएम योगी, हिमंता बिस्वा सरमा, मानिक शाह स्टार कैंपेनर रहेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लीड करेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। इसके अलावा सीएम मोहन यादव, योगी और हिमंत बिस्वा सरमा भी प्रचार करेंगे। वहीं बिहार की बात करें तो यहां भी पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल किया गया है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने से पहले नितिन गडकरी ने अपने नागपुर आवास पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने नागपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 101% विश्वास है कि मैं किसी भी तरह की स्थिति में अच्छे अंतर से जीतूंगा। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ, किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। जतिन प्रसाद ने यूपी की पीलीभीत सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले जतिन प्रसाद ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। नामांकन करने से पहले भूपेंद्र यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की और एक बड़ा रोड शो भी किया, साथ ही एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों में गिने जाने वाले भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी पर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग और आरआईएल एचडीएफसी बैंक में तेजी से बाजार में जोश रहा। सेंसेक्स 526 और निफ्टी 119 अंक चढ़कर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा हाल समझ लेते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं कि कौन से सेक्टर्स में तेजी रही और सबसे ज्यादा सुस्ती किन सेक्टर्स में दिखाई दी? तो पहले आज बाजार का सबसे बड़ा मूव जो था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज में, दिग्गज में। आज करीब करीब 3.5% का उछाल, मारुति 2% ऊपर, बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, बजाज फिनेंस करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज यूपीएल में प्रेशर था 2% का, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, विप्रो 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 1.5% बिकवाली यहाँ पर आते दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थ केयर 3.5% ऊपर रहा, केपीआईटी 4.5% ऊपर रहा, एनएचपीसी और मैनकाइंड करीब करीब 3.5-4% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में पीबी फिनटेक आज 3% नीचे रहा, आरईसी 3.5% नीचे रहा, पीएफसी और पिरामल दोनों में 2-2.5% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ में एबीबी आज लीड कर रहा था नंबर, वो यूबीएस की रिपोर्ट के बाद 6% का उछाल, मेट्रोपोलिस 5% ऊपर, इन्फोएज और रिलायंस 3.5-5% की तेजी यहाँ देखने को मिली। और गिरने वाले शेयरों में कोलगेट पामोलिव जहाँ पर प्रेशर देखने को मिला, आरईसी करीब नेगेटिव में रहा, इसके अलावा पीएफसी और पिरामल ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज फिर एफएनओ में आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं एएलएफ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी का कहना है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। उन्होंने कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी और रियलिटी स्पेस सेक्टर में भी बेहतर रिटर्न की उम्मीद जताई है। गुड्स एक जो थीम है जो हम काफी लास्ट 3 साल से जो डिस्कस कर रहे हैं, ये स्पेस में अभी भी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। वैल्यूएशन काफी अभी थोड़े एडवांटेजेस पोजीशन में जो आ चुके हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फेवरेबल हो चुका है, दैट इज ऑटो एंसिलरी स्पेस। ये एक ऐसी स्पेस है कि जहां पे यू नो मार्केट शेयर कोई ओईएम का ऊपर नीचे होता है तो ऑटो एंसिलरी को इम्पैक्ट कम होता है, और रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज जो है वो दोनों में बेसिकली बाय एंड लार्ज वी आर पॉजिटिव ऑन दिस थीम। रियल एस्टेट पे जो साइकिल जो है नॉर्मली 8-9 years की ये जो साइकिल होती है उसमें से 3-4 साल हो चुके हैं और अगले करीब 3-4 साल बाकी है, तो ये सेगमेंट विल कंटिन्यू टू डिलीवर यू नो पॉजिटिव नंबर्स। ब्रोकर्स रिपोर्ट के बाद आज रिलायंस और एबीबी इंडिया में शानदार तेजी रही। डिटेल समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, रिलायंस पर जो जीएस की रिपोर्ट है उस पर क्या कुछ खास है और शेयर का लक्ष्य क्या रखा गया है? क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का आज एक बड़ा रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आया है। कंपनी के शेयरों में गोल्डमैन सैक्स को ज़्यादा तेजी लगती है और इनका लक्ष्य रिलायंस के काउंटर पे है 3,400 रुपये। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से रिटर्न ऑन कैश, क्योंकि बहुत सारा केपेक्स कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं,
यहां से 12% रिटर्न ऑन कैश शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ दिखाई पड़े FY25 में। एबिटा CAGR ग्रोथ यानी कंपाउंडेड ग्रोथ जो है आने वाले वित्त वर्षों में लगभग 17% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस के एबिटा में, जहां आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंसेंसस के मुकाबले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $125 बिलियन का केपेक्स यानी बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पेटकेम और टेलीकॉम में किया है, इसके रिटर्न्स अब दिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। खास करके रिटेल और टेलीकॉम हायर एबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके कारण रिटर्न रेशियोज आपको अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आगे जाके अगर रिटेल में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा रहा, टेलीकॉम में ज़्यादा आपको टैरिफ हाइक आती हुई नजर पड़ी, तो एबिटा में कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज में गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, इसका स्वामित्व इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है, जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस के बाद जिसमें तेजी रही वो है ABB, इसको लेकर UBS की रिपोर्ट आई है। डिटेल्स लेते हैं यतिन से, तो यतिन बताएं क्या कहा गया है रिपोर्ट में। देखिए कैपिटल गुड शेयर्स की बात करें तो आज UBS का कैपिटल गुड सेक्टर पे एक रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर ABB पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है, इनफैक्ट इनकी खरीदारी की सलाह है। हालांकि टारगेट इन्होंने बढ़ा के लगभग 7,550 रुपये कर दिया है, जो पहले इनका 5,380 रुपये के आसपास था। इनको लगता है कि क्वालिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और मोबिलिटी ग्रोथ के अंदर ABB को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले वित्त वर्षों में मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि मार्जिन्स में जो रिसेंट अपग्रेड आए हैं उसके बावजूद कंसेंसस से उनका ज़्यादा एस्टिमेट है। इनको लगता है कि अर्निंग्स एक्सेलरेशन जो है वो इन प्लेस है, और आगे जाके बहुत सारे सेगमेंट से ABB के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी, और इसीलिए आज UBS ने लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा से टारगेट प्राइस बढ़ा के 7,550 रुपये कर दिया। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केयर इकोनॉमी के बारे में। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात केयर इकोनॉमी की। इस पर इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की महिला विंग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या है केयर इकोनॉमी और कैसे इसे GDP का हिस्सा बनाया जा सकता है, इसको समझने के लिए मैंने बातचीत की है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप हेड आरती गुप्ता से। देखिए मैम, इकोनॉमी की बात करें तो उससे हम सब परिचित हैं, लेकिन केयर इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। तो केयर इकोनॉमी का मतलब है जो हमारे घर में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे घर के, उसकी देखभाल करना, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्गों की देखभाल हो, बच्चों की परवरिश हो, या घर का काम करने की ज़रूरत हो। आज ना ही भारत में बट वर्ल्ड वाइड मजॉरिटी ऑफ केयर वर्क इज डन बाय वुमेन, महिलाएं ज़्यादातर केयर वर्क करती हैं। हालांकि अगर आप इंडिया का स्टेटिस्टिक देखें तो इंडिया में एक औरत करीब दिन में 400 मिनट तक केयर का काम करती हैं, जबकि एक आदमी करीब 90 मिनट का केयर का काम करते हैं। तो जो केयर इकोनॉमी है उसके दो हिस्से हैं, एक है अनपेड केयर और एक है पेड केयर। अनपेड केयर है वो महिलाएं जो होम मेकर्स बोलते हैं हम, जो घर बैठ के घर की देखभाल करती हैं, जो बच्चों को बड़ा करती हैं, जो बुजुर्गों का देखभाल करती हैं, जो खाना बनाती हैं एक्सेट्रा, वो है अनपेड, जो इनको उनके लिए कुछ पे नहीं मिलता है। दूसरी बात है पेड केयर। पेड केयर है जो आपकी काम वाली घर पे आती है, जो नर्सेज आती हैं, जो आपका ये सब ध्यान रखते हैं, जो ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी में एक इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया है। हमारा रिकमेंडेशन इन दोनों के लिए है। जो अनपेड केयर है उसको कैसे रिकग्नाइज करें, ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, और हम एक्चुअली इस पर चर्चा शुरू करना चाह रहे हैं। हम इन्वाइट कर रहे हैं जो हमारे देश के थिंकर्स हैं, उनको आके बताएं कि वो कैसे इस पर चर्चा हो और इसको कैसे हम अपनी GDP का इसको कैसे रिकग्नाइज कर पाए। IIT मद्रास के पवन दावलरी अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चीफ होंगे। पवन ने लंबे समय से प्रोडक्ट हेड रहे पेनोस पेनाई की जगह ली है। इससे पहले दावलरी सरफेस ग्रुप को हेड कर रहे थे, मगर अब पवन ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस दोनों डिपार्टमेंट्स का कार्यभार संभाल लिया है। दावलरी ने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन की है और बीते 23 साल से ज़्यादा समय से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक की। हमारे बीच एक पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट के बीच ही बड़ी हुई है। क्या है टेक का जेन जी की जिंदगी से स्ट्रेस कनेक्शन, इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।